प्रेगनेंसी का पांचवा महीना ढेर सारे नए नए एक्सपीरियंसेस, ढेर सारे नए नए अनुभव लेकर आता है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं इस महीने आपके साथ। तो आज के वीडियो में हम फिफ्थ मंथ की होने वाली स्पेशल बातों को कवर करने वाले हैं। आशा करती हूँ आप इसे एंजॉय करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। आशा करती हूँ आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं, हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख रही हैं जो कि डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, साथ ही आप ट्यूसडे का स्पेशल पोस्टमार्टम केयर एपिसोड्स भी देख रही हैं। प्रेगनेंसी के पांचवें महीने से बेबी गर्भ में से आपको फील दे देता है कि यस अब वो रेडी है। ऐसे में बेबी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बेबी का डेवलपमेंट हाइट में 8 से 12 इंच तक और वजन में 300 ग्राम से 450 ग्राम तक आ चुका होता है। और इस समय बेबी के फेशियल स्ट्रक्चर जैसे आईज, आई लैशेज, आईब्रोज, चीक, ईयर्स, नोज का डेवलपमेंट रूपरेखा बन चुकी होती है। इस समय जो बोन्स हैं उनका डेवलपमेंट अब तेजी से होने वाला है क्योंकि स्ट्रक्चर तो बन चुका है, बस उनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। तो आपको कैल्शियम का सेवन, सप्लीमेंट्स और अपनी डाइट में कैल्शियम को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी महीने से आप केसर मिल्क चालू करती हैं। केसर मिल्क कैसे लेना है, सावधानी क्या है, उसके लिए आप हमारा केसर मिल्क पर डिटेल वीडियो ज़रूर देखें। गर्भ में शिशु इस महीने क्या हरकतें करता है? शिशु गर्भ में रोल होता है, किक मारता है, एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेचिंग करता है, वो अपने बॉडी के सारे मूवमेंट स्टार्ट कर चुका होता है। और कई बार जब किक बहुत स्ट्रांग होते हैं तो आपको फील भी होता है। ये महीना ऐसा स्टेज होता है जब शिशु के कान डेवलप हो चुके होते हैं और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ हो या फिर गाड़ी का हॉर्न हो और लाउड वॉइस में अगर जो भी घर में हो रहा है वो बच्चा सुन सकता है, उसका अटेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो बाहर की लाउड वॉइस को भी सुन सकता है। तो इस महीने आपको क्या करना है, अब एक डिफरेंट स्टेज आ चुका है आपकी प्रेगनेंसी में जब आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है क्योंकि बेबी बम पड़ेगा, पोस्चर ठीक नहीं रहा तो आपको बहुत सारा पेन और डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ेगा अगले 4 महीनों में। इसके अलावा अगर डाइट का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हैं आप इस समय, अब तक कैजुअल चल रहा था तो भी चल सकता था लेकिन अब थोड़ी सी डाइट को और रिच बनाना है कैल्शियम में, आयरन में, विटामिन्स में, मिनरल्स में। सेकेंड ट्रिमेस्टर है तो डाइट में भी कैलोरी में भी इंक्रीज होता है, तो आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने सप्लीमेंट्स टाइम से लेने हैं ताकि शिशु को सही न्यूट्रिशन मिल सके और वो अच्छे से डेवलप हो सके। ये गोल्डन टाइम होता है प्रेगनेंसी का, सेकेंड ट्रिमेस्टर, तो आप इसको खूब इंजॉय कर सकती हैं, घूम फिर सकती हैं, एक्सरसाइज ज़रूर करें इस समय पर और खुश रहें ताकि शिशु का दिमागी विकास बहुत अच्छा हो। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।